इतिहास याद रखेगा। इतिहास क्या क्या याद रखेगा? इतिहास बहुत कुछ याद रखेगा। पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे वारदात हुई, कुछ ऐसे फैसले आए जिनको इतिहास याद रखेगा। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला आया, वो इतिहास याद रखेगा। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, वो इतिहास याद रखेगा। कहीं कश्मीरी लोग नाबीना हो गए, वो भी इतिहास याद रखेगा। फूंकमारी हो गई कश्मीर में, वो भी इतिहास याद रखेगा। शाहीन बाग पे एहतजाज होता है, वो भी इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अल्फाजों से लिखा गया शाहीन बाग का नाम। यहाँ की औरतों ने बहुत जबरदस्त एहतजाज किया था। वहीं पर फिर नाम आता है हमारी सफूरा सरकार का, जिन्होंने अपने संविधान को मद्देनजर रखते हुए जो उनका जमहूरी हक था एहतजाज करना, NRC, CAA और NPR के खिलाफ जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, उन्हीं का नाम है सफूरा सरकार। सफूरा सरकार पिछले 5 महीनों से जेल में थी। कई बार उनकी बेल के लिए एप्लीकेशन डाली गई, लेकिन कोर्ट की तरफ से उसको खारिज कर दिया गया था। आज 5 महीने मुकम्मल होने के बाद आखिरकार आज सफूरा सरकार को बेल मिल चुकी है। ये भी इतिहास याद रखेगा। इतिहास बहुत कुछ याद रखेगा। जैसा कि आप जानते हैं, चीन के बॉर्डर पर बिना कुछ गोली चलाए, बिना कुछ बमबारी करे हमारे 20 फौजी जवानों को मार दिया गया, ये भी इतिहास याद रखेगा। बहरहाल आइए सफूरा सरकार की ये खसूसी रिपोर्ट बनाई है हमारी दिल्ली की इंचार्ज फारिया खान ने। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है वो ये है कि सफूरा सरकार जो थी, जो कि जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, जो प्रेग्नेंट थी और जेल में थी, उनको बेल मिल गई है। सफूरा को दिल्ली दंगों में भड़काने के तहत अरेस्ट किया गया था। 27 साल की सफूरा सरकार को 10 अप्रैल को अरेस्ट किया गया था फरवरी में, क्योंकि उन पर चार्जेस लगे थे कि उन्होंने CAA और NRC के तहत जो है लोगों को भड़काने की कोशिश की है और सोशल मीडिया के तहत भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। ये इल्ज़ाम लगा था सफूरा सरकार पर। उसके बाद वो प्रेगनेंसी में 5 महीने तक जेल में रही थी और उनको बेल नहीं मिल रही थी। आपको साथ में ये भी बता दें कि उनके ऊपर से कोई चार्ज अभी तक नहीं हटा है। ये बेल सिर्फ उनको इसलिए मिली है क्योंकि ये एक इंसानियत के तहत आप कह सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने सफूरा सरकार को ये कहा है कि वो किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगी जो केस से और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी है। साथ ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो दिल्ली बिना परमिशन के नहीं छोड़ सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सफूरा सरकार को ये भी कहा गया है कि उनको इस बेल के तहत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से हमेशा 15 दिनों के टच में रहना पड़ेगा, मतलब हर 15 दिन में उनको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी और उन पर एक पर्सनल बॉन्ड भी हुआ है जो 10,000 का है। आपको बता दें कि इससे पहले काफ़ी बार सफूरा सरकार की फैमिली ने बेल के लिए प्ली करा और वो बेल जो है वो नहीं हो पाई, लेकिन फाइनली उनको बेल मिल गई है। मंडे को दिल्ली पुलिस ने, जो कि काफ़ी नाखुश है इस फैसले से, उन्होंने सरकार की बेल पर यह कहा कि जितनी गंभीर उनकी स्थिति है उतना ही गंभीर उनका अपराध भी है। साथ में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को ये भी कहा कि दिल्ली के जेल में इससे पहले 39 डिलीवरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं पिछले 10 सालों में, जिसका अगर आसानी का मतलब निकाला जाए तो बात यह है कि दिल्ली पुलिस ये कहना चाह रही थी कि सफूरा ऐसी वाहिद प्रेग्नेंट नहीं है जो तकलीफ झेल ना सके। लेकिन बिलाआखिर सफूरा को बेल मिल ही गई है। अब देखना ये है कि ये इंसाफ और कहां तक जाता है। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहां शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आ रास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।